प्रणाम भक्ति जी, मंगल हो। आज 10 मार्च है 2021, माता सावित्री बाई फुले, हाँ, स्मृति दिवस है। जो 1897 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी, जो हमारे बहुजन समाज के, अन्य समाज के महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्होंने विद्यालय खोल करके फ्री आपका सब बच्चों को जागृत किए पढ़ने के लिए, जबकि उस समय उनके पढ़ाई में तमाम कीचड़ उछाला जाता था। जब वो जाती थी तो एक साड़ी लेकर के जाती थी विद्यालय में, बदल करके तब पढ़ाती थी। तो इस उनके स्मृति दिवस पर आज आप क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। आज 10 मार्च है और आज का दिन हमारे लिए एक दुखद घटना है। वो घटना घटके आज के डेट में, तारीख में 123 साल हो गए ले। ये सावित्री माई फुले, ये दाम्पत्य पुणे में रहने वाला था और ज्योतिराव फुले उनके पति थे। सावित्री माई फुले की शादी ज्योतिराज से हो गई थी जब उसकी उम्र थी 7 साल की। अब वो लिखी पढ़ी नहीं थी, लेकिन ज्योतिराव लिखे पढ़े और उनके ध्यान में आ गया कि ये पूरा समाज अनाड़ी है। उस वक्त सिर्फ मम्मन समाज, देशमुख, राजा, इन लोगों को ही प्रशिक्षण मिलता था, शिक्षण मिलता था। उस वक्त बहुत कठिनाई थी, शूद्र अतिशूद्र ऐसे इंसान के अंदर बहुत से वर्ग थे, तो वो सभी चीज़ों से वंचित थे, पाने से लेकर, कपड़े से लेकर, सभी चीज़ों से वंचित थे। ऐसे वक्त में ज्योतिराव फुले MA हो गए और MA होने के बाद में उनके ध्यान में आ गया कि जो समाज है, जो बहुजन समाज है, इसको जाति में बांट के रख दिया है, कोई किसी के वास्ते काम नहीं आता है, लेकिन इनके पास में शिक्षण भी नहीं है। अगर इनके पास में शिक्षण हो तो एक दिन ये क्रांति करे बगैर रहने के नहीं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं स्कूल का ना बनाऊँ, लेकिन अभी उसको साथीदार की जरूरत थी और उसी वक्त तो कोई साथीदार नहीं मिलता था उनको। तो उनकी पत्नी सावित्री बाई, इनको उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन मट्टी के अंदर जो जमीन सपाट करने की और उसके ऊपर हरफ लिखने के, आंकड़े लिखने के, ऐसी उस वक्त की ये थी। लेकिन सावित्री बाई भी बचपन से ही जिद्दी थी और वो क्रांतिवीर, जो महान क्रांति के दूत थे, वो क्रांतिवीर की पत्नी थी, वो कैसे पीछे रहेंगी। उन्होंने पूरा शिक्षण अपना पूरा कर लिया और उनको साथ देना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते ये दोनों ने शिक्षण, बहुजनों को शिक्षण देने का पन कर लिया, बिला उठाया और सावित्री बाई ने बोले मैं भी तुमको साथ दूंगी। ऐसे करते करते उन्होंने दोनों ने मिलके भेड़ेवाड़े के अंदर, पुणे के अंदर शिक्षण शुरू कर दिया। और वो शिक्षण शुरू करने के बाद में, पहले शुरू में जो
शूद्र अति शूद्र इनको जैसे गिनते थे वैसे खुद के ब्राह्मण समाज के लोग अपने पत्नी को ही इतने शूद्र समझते थे, वो गवार समझते थे उसको, क्या समझते थे, गवार समझते, गवार बोले तो पशु होता है, तो पशु समझते थे उनको, मारा पीटा झोड़ा तोड़ा तो कुछ होता नहीं, यही उनका सबक शिक्षण था। और सावित्री माई ने पहले शुरू में बमन श्रेय को शिक्षण देना शुरू किया। जब उन्होंने शिक्षण देना शुरू किया तो ओच महिला उस पर कीचड़ फेंकने लगी, गोबर फेंकने लगी, मट्टी मारने लगी, फतरे मारने लगे, कुछ कुछ लोग उनकी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उन्होंने डगमगी नहीं। वो डबल साड़ी लेके जाने की, यानी जाने के बाद में जो मट्टी ने चिक्खर से भरी हुई साड़ी छोड़ के दूसरी साड़ी पहन के वो बच्चे को पढ़ाने की, बहू का औरतों को पढ़ाने की, ऐसा करते करते भले दिन बहुत दिन चले गए, फिर और दोनों के ध्यान में आ गए, बमन की स्त्रियाँ तो पढ़ रहे सीख रहे, लेकिन जो सही दलित है, गरीब है, कुचला है, पिछला है, इनको कोई पानी देता नहीं, रोटी देता नहीं, कपड़ा देता नहीं, ये समाज सुधरने होना करके ज्योतिराव फुले को समाज सुधारक भी कहा जाता है। फिर उन्होंने शुरू किया, सब बच्चे, सभी के बच्चे स्कूल में आए, और उन्होंने विक्टोरिया रानी आ गई थी बम्बई के अंदर, जब वो गेट ऑफ इंडिया बनाएला है उसके स्वागत के वास्ते बगीचा बनाएला है, उसको बोलते आज रानी का बगीचा, अभी वो जिजाऊ बगीचा करके नाम उसका हो गया है, लेकिन वो उसके स्वागत के वास्ते बनाया था, और सब लोग उसके आगे पीछे थे, लेकिन ज्योतिराव फुले एक कागज लेके उसके पास चले गया और बोल दिया कि यहाँ पे बहुत परेशानी है, गरीबी है, लाचारी है, गुलामी है, इसको तोड़ने का होएगा तो गवर्नमेंट ने स्कूल खोलना बहुत जरूरत है। क्या करना जरूरत है, हर एक बच्चों को शिक्षण होना चाहिए, और वो रानी ने मान लिया, ऑर्डर दे दी, पूरे इंडिया के अंदर स्कूल खुल गए। ये ज्योतिराव फुले का काम है, दूसरा किसी का नहीं है, किसी ने परहेज भी नहीं किया। फिर उसके बाद में पुणे के अंदर जो शिक्षण संस्था थी उसके अंदर उन्होंने और कैंपस लगाए, और क्या बोलते वो अनाथ आश्रम भी खोल दिए। जैसा एकादी श्री गरोदर रहती है, उसकी शादी हुई है, दूल्हा नहीं ऐसी शादी, तो उसको लोग निकाल के देते थे, उसको भी उन्हें वहाँ रख लिया। ऐसे हिसाब से उन्होंने बहुत कष्ट किए, बहुत परेशानी उठाई वो सावित्री माई फुले ने, और जो उसकी खुद की बीए उन्होंने नगर के स्कूल में की, और बीए करने के बाद में वो पहली भारतीय प्राध्यापिका बन गई, दूसरा कोई प्राध्यापिका नहीं थी भारत के अंदर, पहली प्राध्यापिका होगी तो सावित्री माई फुले, जिन्हें शिक्षण का पाया मुहूर्त शुरू किया वो पीछे हो गई, और आज शिक्षण की देवी करके सरस्वती को आगे कर रही ले। लेकिन सही तो मुहूर्त मेड़ सावित्री माई ने रख दी है, वो महान है। ऐसे महान माता को हिंदुस्तान तो क्या, पर पूरे वर्ल्ड के अंदर के देश उसके नाम से श्री मुक्ति दीन करके उसकी पूजा करते हैं, उसका गौरव करते हैं। ऐसी वो सावित्री माई जिन्हें 97 को जब प्लेग की बीमारी आ गई, तो प्लेग के बीमारी के अंदर उन्हें गोर गरीब के बच्चे उठा के उसका बेटा जो था यशवंत उसके पास ले जाके दवा पानी करने की, और ऐसा करते करते दिनांक 10 मार्च 1897 को एक मातंग का बच्चा उठा के पाठी पे ले गई, और उसका जो पावर था वो बीमारी का उनको लग गया, उसमें वो बीमार होके इंतकाल हो गई। वो हिसाब से ये माता ने अपना पूरी जीवन बहुजनों के वास्ते, गरीबों के वास्ते नेछावर किया है, इसीलिए पूरा इंडिया तो क्या, पूरा वर्ल्ड उसको त्रिवार वंदन करता है, और ऐसे ऐसे माते को मैं भी त्रिवार वंदन करता हूँ। रुक जाता बस होगा क्या।